हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीस। मैं बस क्विकली प्लस पॉइंट्स बता दूंगा, बाकी आप डिटेल में स्पेसिफिकेशंस खुद ही चेक कर लेना। बस ध्यान रहे 4GB से कम रैम का मॉडल बाय करने की 2021 में कोई जरूरत नहीं है। रेडमी 9 प्राइम, ये थोड़ा पुराना फोन है लेकिन फिर भी इसकी डिमांड अभी तक जोरदार है भाई। जब लॉन्च हुआ था तब भी मैंने इसे लिस्ट में टॉप नंबर पे सजेस्ट किया था और प्राइस भी इसका कम नहीं हो रहा है। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है और डिस्प्ले भी फुल HD में काफी ब्राइट लगता है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G80 की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसके डे टू डे यूज में कोई लैग देखने को नहीं मिलता और गेम्स खेलने के लिए तो ये प्रोसेसर बेस्ट इन क्लास है। बैटरी इसमें मिलती है 5000 mAh की, जो चार्ज होने में 3 घंटे तक ले लेती है, लेकिन अगर आप 18 वॉट्स का चार्जर यूज करते हैं तो 2 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि बॉक्स में 10 वॉट्स का ही चार्जर मिलता है। दोस्तों, ये 64GB स्टोरेज और 4GB रैम का मॉडल है जो कि आजकल स्टैंडर्ड है इस प्राइस रेंज में। ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 12 आ गया है तो अपग्रेड कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा यानी 4 कैमरे मिल जाते हैं। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो बढ़िया इमेजेस तो कैप्चर करता ही है बल्कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जिससे शार्प सेल्फी शॉट्स आते हैं। बॉक्स में आती है USB-C केबल, ट्रांसपेरेंट कवर और 10 वॉट्स का चार्जर। अगला स्मार्टफोन है Infinix Hot 10। इसमें 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है जो कि क्वाड AI कैमरा है। AI सेटअप बेटर रहता है क्योंकि इसकी मदद से पिक्चर्स में डिटेल्स को इनहेंस किया जाता है। लो लाइट सेंसर दिया है तो नाइट के शॉट्स भी अच्छे निकल के आएंगे। स्टैंडर्ड सेल्फी कैमरा लगा है 8 मेगापिक्सल का और हाँ, ये पिन होल कैमरा है। भले ही इसके कैमरे में मेगापिक्सल ज्यादा है लेकिन रेडमी से कंपेयर करें तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पर रेडमी से ज्यादा बैटरी मिल जाती है यानी 5200 mAh की, और डिजाइन भी इसका ग्लॉसी फिनिश में उससे बेटर लगता है। मजे की बात यह है कि बैंक ऑफर के साथ 10,000 में 6GB मॉडल मिल जाता है और वो भी 128GB स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले स्क्रीन में बेजल्स बहुत कम है जो देखने में बढ़िया लगता है। HD+ डिस्प्ले है तो धूप में देखने में कोई इशू नहीं आने वाला। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G70 की परफॉर्मेंस डेली यूज के लिए बढ़िया रहती है और फिर 6GB रैम तो है ही, तो लैग्स की कोई टेंशन नहीं होने वाली। ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट आ गया है तो ऐप इंस्टॉल करने से पहले OS अपडेट जरूर कर लीजिएगा। इतना सब होने के बावजूद इसमें छोटा सा डाउनसाइड है, माइक्रो USB पोर्ट। USB-C रहता तो अच्छा होता। बॉक्स में मिलता है ट्रांसपेरेंट केस, स्क्रीन गार्ड और ऑफ कोर्स एक चार्जर। नेक्स्ट फोन है सैमसंग फैंस के लिए, गैलेक्सी M12। सैमसंग में बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है, चाइनीज टाइप बिल्कुल भी फील नहीं होता। ये 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल है। पिछले दोनों फोन से कंपेयर करें तो इसके प्लस पॉइंट्स हैं 6000 mAh की बैटरी, 8nm का प्रोसेसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट 90Hz का डिस्प्ले। गेम्स नहीं खेलते हैं तो 6000 mAh की बैटरी 2 दिन तक आराम से चल जाती है। हाँ, लेकिन चार्ज होने में टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। वैसे 15 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है। प्रोसेसर इसमें लगा है Xynos 850 जो सैमसंग का खुद का बनाया हुआ है। ये 8nm प्रोसेसर है, जितना छोटा nm यानी नैनोमीटर होता है उतना फास्ट रहता है। दोस्तों, इस प्राइस में 90Hz रिफ्रेश रेट कम ही देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सैमसंग में इमेजेस अच्छी निकल के आती है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस फोन को ओवरऑल बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। अगर 10,000 प्राइस रेंज की बात करें तो सब जरूरी चीजें मिल जाती हैं जो डेली यूज के काम में आती हैं। अगर आप एक ब्रांडेड फोन देख रहे हैं तो इसे जरूर बाय कीजिएगा। लिस्ट में अभी 2 और फोन आ रहे हैं दोस्तों, उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मोटो G10 पावर, ये 4GB रैम मॉडल है 64GB स्टोरेज के साथ। इस फोन की जो सबसे खास बात है वो है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, और ये फोन आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करता है। कोई एड्स का झमेला नहीं है और आपका पर्सनल डेटा भी कंपनीज को शेयर नहीं होता क्योंकि इसमें थिंक शील्ड सिक्योरिटी का सपोर्ट दिया है। सही बताऊं तो जब से मैंने स्टॉक एंड्रॉयड फोन यूज करना शुरू किया है तो पता चला एंड्रॉयड यूज करने में वाकई कितना मजा आ सकता है। ब्लॉटवेयर नहीं होते जिसकी वजह से OS स्मूथ काम करता है। फर्स्ट होम स्क्रीन में गूगल सर्च और न्यूज अपडेट्स की डेली आदत पड़ जाती है, और सबसे काम की बात यह है कि फोन लंबे टाइम तक चलता है। ओवरऑल नीट फोन यूज करने से बैटरी पर असर नहीं पड़ता। बाय द वे, बैटरी इसमें 6000 mAh की लगी है जो आराम से 2 दिन तक निकाल देगी।
थोड़ी स्पेक्स की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, गूगल कैम इंस्टॉल करके और बेटर इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, डिफॉल्ट कैमरा भी ठीक ठाक काम कर लेता है, नथिंग अमेजिंग। प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन 460, ये थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टॉक एंड्रॉयड में ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं लगती क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लॉटवेयर्स रन नहीं करते। एक रिलायबल ब्रांड फोन लेना है तो इस पे इन्वेस्ट करें। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोन की, जो कि है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। इस फोन में सब कुछ मिल जाएगा, कहां से शुरू करूं? शॉर्ट में बताऊं तो अभी तक के बताए सभी फोन्स के बेस्ट फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस इस फोन में मिल जाएंगे, जैसे कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिससे सब स्मूथ नजर आता है, 48 मेगापिक्सल AI कैमरा, गेमिंग के लिए भी सॉलिड प्रोसेसर MediaTek Helio G80 लगा है और खास करके मुझे इसका फ्रेश लुक एंड फील बाकी सबसे ज्यादा पसंद आया। ये 6GB RAM मॉडल है और 64GB स्टोरेज के साथ सिर्फ 10,000 रुपीज में मिल रहा है। बाकी बैटरी मिलती है 5000 mAh की। अभी फीचर्स खत्म नहीं हुए हैं। एक और काम की बात बता देता हूँ गेमर्स के लिए, इसमें 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है जिससे गेम्स खेलते टाइम टच रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो जाता है। देखो भाई, जब हार जीत में मिली सेकेंड्स की बात हो तो ये फीचर आपको फाइट में एडवांटेज देगा। इस प्राइस में इतना कुछ किसी और फोन में नहीं मिलेगा। बढ़िया फिनिशिंग, गजब का डिस्प्ले, एक USB-C पोर्ट भी दे देते तो और अच्छा होता, लेकिन बाकी सब धासु है। बॉक्स में मिलता है ट्रांसपेरेंट केस, माइक्रो USB केबल और एक चार्जर। तो ये थे टॉप के स्मार्टफोन्स जो बैंक ऑफर्स के साथ 10,000 के अंदर अंदर में आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे DM करके बेझिझक पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए, जिसको फोन लेना है उसे शेयर कर दें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली टेक वीडियो में, टिल देन टेक केयर।